जब जबलपुर में कल्प करेगा सत्ता के गलियारों से, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 84 विधानसभा की 2.5 लाख जनता मेरे साथ है, ये सोच के मैं विधानसभा में बोलता हूँ। आज 84 विधानसभा पूरे देश के लिए आदर्श है, क्योंकि इसकी वजह से, आपकी वजह से पूरे देश का आदिवासी जो अभी आपको शर्माता था, आज गर्व से कहता है हम आदिवासी है, इसलिए 84 की जनता पूरे देश के लिए आदर्श है। मणिपुर के आदिवासियों का बदला 84 की जनता लेगी, लेंगे कि नहीं लेंगे? राजस्थान की सरकार को कहा कि हमारा दिवस है, दिवस को पूरे राजस्थान में छुट्टी मनाओ, तो उन्होंने छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि नहीं करते तो हम उनकी छुट्टी कर देते। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो नेता अपने आप को आदिवासी नहीं मानता था, वो आज गांवों गांवों में जाके बोल रहा है कि मैं आदिवासी 22 को मने आऊंगा। ये परिवर्तन लाने का काम किया है। एक छोटा सा नारा कह दूंगा पहले, वो नारा इसलिए बना है कि जुल्म करने वाले लोग प्रशासन के माध्यम से, जुल्म करने वाले लोग इन कमल कांग्रेस की पार्टियों में, जब इतिहास में देखते हैं अपन कि जब जब जुल्म होता है तो किसी एक क्रांति का उदय होता है। कहीं पर भी जुल्म हुआ है आज तक इतिहास के अंदर देखते हैं, जब भी जुल्म होता है एक क्रांति निकलती है, एक उद्बोधन निकलता है, और वो क्रांति उन जुल्म वालों को उनका इलाज कर देती है। तो मैं इसी बात को लेकर एक नारा बोल दूंगा, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, टप्पा टप्पा गूंज उठेगा जय जोहार के नारों से। आप सबको जय जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय बिल प्रदेश। आज आप सबका जो प्यार, आप सबका जो इस विचारधारा के प्रति और इस विचारधारा के माध्यम से 84 के कार्यकर्ताओं ने मुझे जो विधायक प्रत्याशी बनाया, तो आप सबका जो प्यार मेरे प्रति आज बढ़ा, आप सब दिल से आए हो, आप सब तन मन धन से आए हो, उसके लिए तहे दिल से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, बोला वाला समाज, बोले वाले लोग हर किसी को अपना समझते हैं। हमारे आदिवासी कौम की अगर बात करें, इस कौम में हमारे पूर्वज भी, अगर कोई हमारे घर में मेहमान आता तो दुश्मन क्यों नहीं होता, उसको भी गले लगाते अपनाते, वो कौम है। लेकिन इसी बात का कांग्रेस बीजेपी ने फायदा उठाया, हमारे बोले वाले लोगों को बहकाया, बेवकूफ बनाया और वोट लेने का काम किया। आज से लगभग ये 75 साल तक हमारे समाज के मत का दुरुपयोग किया और वो अत्याचार करते रहे, वो शोषण करते रहे, वो लोग इस क्षेत्र के, इस समाज के साथ अन्याय करते रहे। लेकिन हमारी विचारधारा आई और विचारधारा के साथ आप सब दिल से जुड़े, और दिल से जुड़ने के बाद 2018 में आपने विधायक बनाया, 84 से मुझे बनाया और सागवाड़ा राम प्रसाद जी को बनाया। अब विधायक बनाने के बाद वो चुनाव ऐसा था, आप सबने अपने जेब से खर्चा करके विधायक बनाया। आज भी अधिकतर साथी तन मन धन से अपने खुद के खर्चे से भी आए हैं, यही लोकतंत्र है। और हम 2018 में जीत के गए, जीत के जब जा रहे थे क्या बोल रहे थे लोग, नाम अपना सूरज उतारिए हो करेगा, फिर कहता आनंद में बेवानी कुर्सी है नहीं बड़े में। अब
नानो पुरो सुरो हूं करे ने बेवा ने कुर्सी मळली नहीं मळली ये तमे सब जानो जो नेता गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते थे आज गांवों गांव भटकते हो गए वो काम करके दिखाए जो नेता अपने आप को आदिवासी नहीं मानता था जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के नेता बनता था वो नेता अपने आप को छुपाता था वो आज गांवों गांवों में जाके बोल रहा है कि मैं आदिवासी 22 को मने आल सकते ये परिवर्तन लाने का काम किया है इन दो विधायकों ने जयपुर में जाके जय जोहार का जयपुर प्रदेश का नारा बुलंद किया इस कौम का नारा बुलंद किया और साथ ही पूरे विश्व लेवल पे विश्व आदिवासी दिवस में जो 1994 के अंदर यूएन में घोषणा की थी आप सबकी बदौलत हम गए विधानसभा में और हमने राजस्थान की सरकार को कहा कि हमारा दिवस है दिवस को पूरे राजस्थान में छुट्टी मनाओ तो उन्होंने छुट्टी करनी पड़ी क्योंकि नहीं करते तो हम उनकी छुट्टी कर देते ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और जो नेता अपने आप को आदिवासी कह रहे थे शर्माते थे आज बड़े बड़े वो पोस्टर लगाए हुए हैं हम भी आदिवासी ये परिवर्तन आया है जो कमल कांग्रेस के नेता हमारे बड़े बुजुर्गों को कुछ कांग्रेस में कुछ बीजेपी में डाल डाल के रखा बारी बारी से वोट लिया लेकिन जब ये विचारधारा आई जो 75 साल से अलग लड़ रही थी सबको ये एहसास करा रही थी हम अलग हैं एक दूसरे को दुश्मन की तरह दिखा रही थी अंदर से एक थी आप सबकी बदौलत वो दोनों सामने आ गई और एक हो गई कांग्रेस बीजेपी दोनों ये उपलब्धि हुई है इस विचारधारा की रही बात आज 84 विधानसभा पूरे देश के लिए आदर्श है क्योंकि इसकी वजह से आपकी वजह से पूरे देश का आदिवासी जो अपने आपको शर्माता था आज गर्व से कहता है हम आदिवासी है इसलिए 84 की जनता पूरे देश के लिए आदर्श है साथ ही हमारे माइनॉरिटी और एससी भाई एससी के जो भाई है माइनॉरिटी के भाई है ओबीसी के भाई है अन्य जो भाई है उन्होंने भी महसूस किया कि हमारे माइनॉरिटी के भाइयों को कांग्रेस कहती थी कि हम रक्षा करेंगे लेकिन उन्होंने कभी रक्षा नहीं की उन्होंने बीजेपी वालों से मिलकर दंगे प्रसाद कराने का काम किया लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उदयपुर संभाग में कभी दंगा नहीं होगा सब यहाँ शांतिपूर्वक रहेंगे ये उपलब्धि है हमारी लड़ाई उन नेताओं से नहीं है उन नेताओं की करतूत से है आज भी हम कहते हैं सुधर जाओ समाज के लिए बोलना शुरू कर दो आरक्षण बेचने का काम किया है समाज के युवाओं से माफी मांग लो अगर अभी भी माफी नहीं मांगोगे अभी भी नहीं सुधरोगे तो आने वाले समय में ये समाज ये क्षेत्र के लोग आपको गांवों में घुसने देने वाले नहीं है आज देश के अंदर हमारी माताएं महिला बैठी हुई है देश के अंदर भाजपा की सरकार है और उस सरकार ने हमारी आदिवासी महिलाओं को हमारे आदिवासी महिलाओं को नींव रस्ते करके सड़कों पे घुमाने का काम किया है सरकार ने इसको क्या हम बख्शेंगे इस बार ठान लेना है विशेषकर मेरी जो माता बहने आई है उनको कहना चाहूंगा कि हमारी बहने हमारी माताओं को मणिपुर के अंदर लगभग 250 लोगों को मार डाला इसमें 30 से 40 महिलाओं को मारा इन भाजपा की सरकार ने और हमको यहाँ पर पेकू बढ़ा रहे हैं ये लोग इसलिए वो बदला भी लेना है मणिपुर के आदिवासियों का बदला 84 की जनता लेगी लेंगे कि नहीं लेंगे इस कांग्रेस की सरकार में हमारे पुष्पा का हत्या हुआ कार्तिक बिल का हत्या हुई ये 84 की जनता आज प्रण लेगी कि कार्तिक बिल का बदला 84 की जनता लेगी लेगी कि लेगी हमारे पढ़े लिखे बच्चे एक माँ बाप कितनी मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाता है रात दिन मजदूरी करता है जमीन जेवरात रखता है और पढ़ा के डिग्री कराता है लेकिन वही कांग्रेस के नेताओं ने 2016 के अंदर हमारे पढ़े लिखे युवाओं का आरक्षण बेच के दूसरों को देने का काम किया वो बदला लेना है नहीं लेना है
आज मैं भी गुजरात गया था, गुजरात में हमारे कई पढ़े लिखे भाई बीए भाई आज मजदूरी कर रहे हैं। उस माँ बाप ने इसलिए नहीं पढ़ाया था कि मेरा बच्चा बीए करके कड़िया काम कराएगा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी वालों की वजह से आज हमारा पढ़ा लिखा युवा, डिग्रीधारी युवा गुजरात में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। क्या वो बदला लेना है कि लेना है? और वो बदला ऐसा लेना है कि कांग्रेस बीजेपी का खाता ही नहीं खुले ऐसा बदला लेना। अपन को जितना मात्र नहीं है उनको एहसास कराना है, हमको इतनी लीड से जीतना है। हमारे कई बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं बड़े बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन आने वाली पीढ़ी को सोच के, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा वो सोच के हमको वोट करना है। अपना वोट तो देना है लेकिन अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने गांव कुटुंब में जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, इन सब को निवेदन करके कहना है कि इस बार का वोट हमारे अस्तित्व का वोट गिरेगा, इस बार का वोट हमारे अधिकार का वोट गिरेगा, इस बार का वोट हमारी ताकत दिखाने का वोट गिरेगा, ये एहसास कराना है। आज इस विचारधारा को खत्म करने के लिए इन्हीं कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने आज आप सबके बीच में लड़ाई कराने की कोशिश की थी। कुछ लोग भेजे थे टेम्पो लेके, कुछ लोगों को भेजा था जानबूझ के, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने साथ आए थे कुछ दिन, लेकिन उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो कांग्रेस बीजेपी वालों के साथ मिलके अपने विरोध में काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी पहचानने की जरूरत है, उनको भी मैं आज इस मंच से निवेदन करता हूँ कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। भूले भड़के भले बोलो, भूले भड़के हो गए हो, अब भी वक्त है इस कार्रवाई के साथ, इस विचारधारा के साथ आ जाओ। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मैं कोई महत्वपूर्ण नहीं हूँ, आप महत्वपूर्ण हो, आप मेरे साथ हो इसलिए मैं ताकतवर हूँ, इस बात को भी समझना। आज मैं विधानसभा 2018 में चुन के गया, जब मुझे जीतन कियो बेजाइज बुझो टोटल बही विधायक और बही विधायक में हो सत्य करते नानो विधायक में फिर टेंशन था जी, लेकिन मेरे दिमाग में ये रात को मैं सोचता मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 84 विधानसभा की 2.5 लाख जनता मेरे साथ है, ये सोच के मैं विधानसभा में बोलता। और 2.5 लाख जनता की ताकत मेरे साथ थी और वो ताकत विधानसभा में घुसी तो कांग्रेस बीजेपी ना बोमड़ा नेता भी बोलता था ही। ये परिवर्तन आया है, हमारे क्षेत्र की आवाज पहली बार विधानसभा में आपकी बदौलत गई है। ये नेताओं ने आज तक समोसी कटोरे खाने का काम किया भाजपा, इसलिए हमें आज तक का जो उन लोगों का हमने बेवकूफ बनाया, हमने वोट दिया ब्याज सड़ चुके सड़ अमार बाप दादी वोट आ जा कांग्रेस ने अटले आया कांग्रेस बोलो कर हेम करी ने कांग्रेस से हमारे युवाओं का आरक्षण खत्म किया ते ब्याज सड़ चुके सड़ अमार डोही बीजेपी वोट आ जा अटले वोट आ जा के बीजेपी के बोलो कर हेम करी ने लेकिन बीजेपी वालों सरकारी जो भवन है उन्होंने प्राइवेट करवा दो काम की दू, बीजेपी वालों ने आरक्षण खत्म करने का काम किया, बीजेपी वालों ने आदिवासियों को वनवासी बनाने का काम किया। ब्याज सड़जू ने सड़जू कई सड़जू ब्याज सड़जू को चक्रवर्ती ब्याज सड़जू और चक्रवर्ती ब्याज तरीके से किस बार वसूल कर वो है। ये लोग आज पूरे राजस्थान की सरकार, देश की सरकारें चिंतित है। जिस आदिवासी समाज को आज तक उन्होंने बेवकूफ बनाया वो आदिवासी समाज सजग हो गया है और सजग होने के बाद अब उनसे सवाल पूछने लग गया है। ये नेता कहते हैं युवा भटक गए, क्या कहते हैं युवा भटक गए, युवा समझदार हो गया है, युवा सवाल कर रहा है आपसे कि आपने क्या किया, तो युवाओं को भटकने की बात करते हो। इस देश को आजाद कराने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका थी, इस देश को बरकरार रखने में भी युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी और युवा आपको दिखाएगा इस चुनाव में कि भटका कौन है, भटके तुम तो तुम ठिकाने आ जाओ।
आज हमारे डामर क्षेत्र के भाई आए होंगे। 2018 में भी पड़ता कहता सीओ अभी बड़े किम थाए, लेकिन मैं डामर क्षेत्र के भाइयों को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप दिल से जुड़े हो। आपको हम आश्वस्त करते हैं कि आपको हम साथ में लेके चलेंगे। और ये कमल कांग्रेस के नेता आपको कहते हैं एक उनावड़ा पंचायत समिति बढ़ावी दू, प्रधान बढ़ावी दू कर एक सरपंच दौड़ा, एक बासिया पंचायत समिति बढ़ावी दू कर फिर दौड़ा, एक रास्ता पंचायत समिति बढ़ावी दू प्रधान बढ़ावी दू कर फिर दौड़ा, एक पंचायत समिति दस दस पंचायत बना पंचायत समिति बना पाली बात करी। और कोणी गोल है कहकर प्रधान बल्ले उबा कर दीदा है, लेकिन आज तक देखो अगर ये विचारधारा नहीं आती तो अभी जो डामर क्षेत्र में प्रधान बैठे हुए वो भी बैठने देते हैं कमल कांग्रेस के नेता। और वो नेता हमारे डामर भाइयों के लिए कहते थे कि ये तो हमको तो एसटी से बाहर करो, जो सांसद द्वारा के भेजे थे वो भी आपके आसपास पड़ोस में बैठे हुए भी उन्होंने लोकसभा के अंदर बोला कि डामरों को एसटी से बाहर करो। तो हमारे बुजुर्ग जो डामर को पकड़ के भी घूम रहे उनको भी समझाओ कि जो नेता आपका गला घोटने का काम कर रहा था उस नेताओं को साथ छोड़ दो। आज भाइयों आप सबसे अनुरोध है, आज अपन ने आपने अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन या सोर ही कहीं झूठा है बेकुबरा में छोटी छोटी बातों को भड़काएंगे, आपको गुमराह करेंगे, आपको लालच में देंगे, लालच में नहीं आएगा लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। हमको गुमराह भी नहीं होना है, लालच में भी नहीं आना है और लड़ाई झगड़े से भी नहीं डरना है। हम अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये नेता उनका खुद का और पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वोटों की अकेले की राजनीति नहीं है, ये हमारा अस्तित्व की राजनीति है, आने वाली पीढ़ी की राजनीति है। मैंने पहले ही कह दिया मैं कोई नाथ महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं कोई ताकतवर नहीं हूं, मेरी ताकत आप हो, आप मेरे साथ हो, इसलिए मैं महत्वपूर्ण हूं, इसलिए मैं ताकतवर हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा, आपको सबको साथ में चलूंगा और आपको कभी ये गलत फहमियां आपको कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि हमारा वोट गलत गया, ये कभी महसूस नहीं होने दूंगा आपको। मैं आपसे एक अनुरोध चाहता हूं कि आप 84 की कमान संभालो, इतने दिन 25 तारीख तक मैं बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर थोड़ा संभाल लेता हूं ताकि वहां से एक दो भाई और निकल जाए, इसलिए आपको आपको मजबूत रहना है, बहकाव में नहीं आना है। और हमारे एससी के भाई हमसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एट्रोसिटी अगर एससी पे हुई है तो शेड्यूल एरिया से बाहर हुई है, चार आदिवासी बाहुल्य है, वहां कभी हमारे भाइयों घोड़ी से उतार के किसी की हिम्मत नहीं हुई है, इसलिए एससी के भाइयों को साथ में रहना है। ओबीसी के भाइयों को भी कहते हैं कि हम सबका स्वागत करते हैं, मानव मात्र का स्वागत करते हैं, लेकिन मुर्गा मत बेवा वे स्वागत नहीं करना, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं।